हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम देखेंगे कि गुलाब जामुन हम घर पे किस तरह से बना सकते हैं। आज इन गुलाब जामुन को हम जो मार्केट में पैकेट आता है गुलाब जामुन मिक्स का, उसके साथ बना के तैयार करेंगे। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैं गुलाब जामुन मिक्स के साथ गुलाब जामुन बनाना सिखाऊँ, तो देखते हैं हम गुलाब जामुन घर में किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये गुलाब जामुन मिक्स लिया है, इंस्टेंट मिक्स है ये, और इसके बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो आशीर्वाद ब्रांड है और ये 200 ग्राम का पैक है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 85 ml पानी। ये पैकेट पे भी मेज़रमेंट आपको दिया हुआ होता है, तो 85 ml हमें पानी इसमें मिलाना है और एकदम सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करना है। ये देखिए, इसका डो हमने बना लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, इस तरह का ही इसका हमें डो बनाना है। इसको एक बार स्मूथ कर लेते हैं हल्का सा और ढककर इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम शुगर सिरप बना के तैयार करेंगे। पैन में मैंने 600 ग्राम शुगर ली है, जिसमें हम 600 ml ही पानी डालेंगे। यानी जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। ये मेज़रमेंट आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। यानी जितनी चीनी ली है उतना ही पानी ले लीजिए। फ्लेवर के लिए इसमें हम ऐड करेंगे क्रश की हुई इलायची। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। या दोनों ही चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल जानी चाहिए, उसके बाद हमें 3 और 4 उबाल और देने हैं। तो इसको थोड़ी देर हम और पकने देते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉयल्स आने लगे हैं। चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गई थी, उसके बाद मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए और पकाया है। तो चाशनी हमारी बनके अब तैयार हो गई है। गुलाब जामुन का जो डो हमने बनाया था उससे इस तरह से हमें बॉल्स बनानी है। बस इनमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो एकदम स्मूथ बॉल्स आप बना लें, और जितने बड़े साइज़ के आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बॉल्स बना लें। कढ़ाई में ऑयल हल्का गरम हो गया है, इसमें हम गुलाब जामुन को डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को हमें हल्का ही गरम करना है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें तेज़ गरम ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। एकदम लो फ्लेम पे हम इनको सेकेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाएं और इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे। और जब तक अच्छा गोल्डन कलर इनके ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। आप देख सकते हैं, हमें डायरेक्ट गुलाब जामुन के ऊपर कलछी नहीं लगानी है, हमें घी को चलाना है और इस तरह से इन्हें घुमाते रहना है। एकदम लो फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करते रहें। जो गुलाब जामुन सिक गए हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और इनको हम चाशनी में डिप करेंगे। तो चाशनी में डिप करने से पहले इस बात का आप ध्यान रखें कि चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर आपने इसको पहले बना लिया है और चाशनी ठंडी हो गई है तो फिर से इसे आप एक बार गर्म कर लें, और गर्म चाशनी में ही हमें गुलाब जामुन को डिप करना है। इसी तरह से सभी गुलाब जामुन हम चाशनी में डिप कर देते हैं और चाशनी हल्की गर्म है। सभी गुलाब जामुन बन गए हैं, इनको हमने शुगर सिरप में डिप भी कर दिया है। अब हम इनको 1 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो ये 1 घंटा हो गया है, गुलाब जामुन चाशनी में रह के थोड़े से और फूल गए हैं। इनको अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं।
इनको थोड़े से पिस्ता के साथ हम गार्निश कर देते हैं। लीजिए, गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना, तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।